हेलो व्यूअर्स, आप कैसे हैं? आप अपना ही चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है टफ क्वेश्चन सी सॉल्यूशंस। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री वैसे सभी ने 10th तक पढ़ी है, लेकिन अब कंपटीशन लेवल में कैसे सवाल आ सकते हैं तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देर ना करते हुए सब, जैसे कि अगर किसी ने 10th में ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत पढ़ी होगी तो उसको ये पता होगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, ठीक है? तो हम उस पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक हो जाएगा और उससे कहते हैं हमारा वीडियो का जो साइज़ है वो काफ़ी बढ़ेगा और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और हम कुछ जो आपको बेनिफिट देना हम उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने ट्रायंगल ले लिया ABC, जैसे आपको दिख रहा है, तो उसमें पता ये कहते हैं ये एंगल ए है तो उसके सामने की साइड ए है, एंगल बी है उसके सामने की साइड बी, एंगल सी है तो उसके सामने की साइड सी है। अब बाकी सबको पता कि ये थीटा के सामने एंगल, ये जो चीज़ है वो क्या परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइट है। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, फॉर्मूला डायरेक्ट वो याद करना पड़ता है लोगों को, कि अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी है तो वैल्यू पूछता है कि बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो ये वैल्यू होगी अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगर ये साइन बदल जाए, क्योंकि मैंने दोनों साइन लिख दी हैं, अगर साइन ऐसे हो जाए ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा हो जाए बराबर सी, तो क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा की वैल्यू भी वही आएगी अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो अभी हम इससे कुछ सवाल करेंगे तो आपको समझ में इजीली आ जाएगा। अब अगला एक फॉर्मूला बनता है, इसमें कई बहुत से क्वेश्चन इस पे आते हैं कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर दिया 2 cos थीटा दिया है, एक्चुअली में 2 cos 1 थीटा है, एक्चुअली में 1 जो मल्टीप्लाई करेंगे थीटा से तो वो रिजल्ट क्या थीटा ही दे देगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर टेढ़ा बन जाता है जब x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर n पूछ लेता है, तो कुछ सिंपल फॉर्मूला का ही लगता है 2 cos n थीटा लगता है। तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं और कुछ ट्रिक्स हैं, तो मैं आपको बारी बारी से कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसको आपको उसका उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। चलिए हम फिर कुछ सवाल करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको एक सवाल ये दिया था, मैंने एक सवाल ये दे दिया 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 1 दिया है, ठीक है? तो इसमें 10 थीटा निकालना, कोई भी थीटा भी निकाल सकते हैं, सेक थीटा भी पूछ सकता है, कोसेक पूछ सकता है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए जो साइन होता है, ठीक है, जो कोफिशियंट होता है वो भी आपको परपेंडिकुलर ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि साइन का मेन फोकस क्या होता है, जो फोकस होता है परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज होता है, ठीक है? इसे कॉस का फोकस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटन्यूज होता है, ये बेस को सिग्निफाई करेगा, ठीक है? बाकी आप यहाँ पर भी हम ये लिख सकते थे बी और यहाँ पर ये पी, बाकी आपका हाइपोटन्यूज आपका ये दिया ही गया है, ठीक है? तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली मैंने समझाने के कर दिया है। तो आप एक ट्रायंगल बना लीजिए और उसमें ये इंडिविजुअल पुट कर लीजिए। तो कहते हैं परपेंडिकुलर में 12 पुट कर लिया यहाँ से देख के, और हमने कहते हैं बेस 5 पुट कर लिया, ठीक है? यहाँ पर सर था ये बी है 30 नहीं है, याद रखिएगा। और ये एच क्या है, आपका हाइपोटनीस जो एच हो गया, एंगल थीटा है, तो यहाँ से 10 थीटा निकाले। फॉर्मूला 10 का क्या होता है, साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनीस, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटनीस, 10 का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ये हमने देख दिया। इस पर आप सेक थीटा पूछ सकता है, कोसेक पूछ सकता है, आप सब निकाल सकते हैं। अच्छा, ये अगर वैल्यूज़ ये तभी काम करेंगी अगर ये ट्रिपलेट्स दिए जाएँ, क्या दिए जाएँ बच्चों, और मैंने ट्रिपलेट्स आपको बहुत ही पहले क्लास में रिमाइंडर्स में मैंने पढ़ा दिया था और उसके जनरल फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिए थे। कुछ नहीं, वही था ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए कॉमा ए स्क्वायर अपॉन टू और ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू था, ठीक है? तो आप ये फॉर्मूला का यूज़ करके आप ट्रिपलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए कि ये ट्रिपलेट है कि नहीं ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट होगा तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। तो ये बेस मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा, तो 169 इक्वल टू 144 प्लस 25, ठीक है? तो ये हाँ 169 आ जाएगा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा। अब जैसे मैंने दूसरा फॉर्मूला को बताया था कि एक्स प्लस वन अपन एक्स बराबर 2 कॉस थीटा दिया गया है, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपन एक्स क्यूब क्या निकलेगा, तो कुछ नहीं, यहाँ पर जो आपका 1 था वही n था अगर पावर n में है, तो अब क्या हो जाएगा कि ये चीज़ 3 दिया गया, तो मैंने यहाँ पर 3 पुट कर दिया तो सॉल्व हो गया। अब मैंने आपको तीसरा फॉर्मूला भी बताया था कि ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा बराबर सी है, तो इसका कोफिशियंट अगर इंटरचेंज है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कोफिशियंट इंटरचेंज हो जा रहे हैं और बीच का साइन चेंज हो रहा है, बाकी एंगल का जो कहते हैं रेशियो वो तो वही है दोनों तरफ, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है। तो ये ए बी सी है, तो तीनों को पुट कर लिया, ए स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस ये बी 5 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या हो गया, ये माइनस 5 स्क्वायर हो गया, तो ये दोनों कैंसिल जगह बचेगा, बस केवल ही बचेगा, तो ये आपको क्या प्लस माइनस 3 रिजल्ट दे देगा क्योंकि स्क्वायर रूट में है, ठीक है? तो कैसा लगा आपको क्वेश्चन ये बताइएगा, मैं भी इसके और क्वेश्चंस आपको डालूंगा, पढ़िएगा समझिएगा, और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, बेल आइकन दबाते रहिएगा बच्चों।